आज हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन में नेशनल हॉकर्स फेडरेशन दिल्ली की लीडरशिप का मीटिंग हम लोग आह्वान किया है, मीटिंग चल रहे, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से लगातार फुटपाथ दुकानदार के ऊपर हमला हो रहे हैं, उनको उजाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से कर रहे हैं, लग रहे जो कारगिल का युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स, बड़ा पुलिस फोर्स लेके ये कॉनॉट प्लेस से शुरू करके NDMC में सब जगह पर, MCD में अलग अलग जगह पर ये उजाड़ीकरण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चुनाव हुआ टेम्पोरारी टाउन वेंडिंग कमेटी, जो टाउन वेंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल इस कानून को लागू करने का एक संस्था, ये टेम्पोरारी इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने सर्वे करेंगे और सर्वे की बात रियल टाउन वेंडिंग कमेटी बाई वोट होगा। बट ये सर्वे जो सबको करने का बात है, NDMC MCD ने वो सर्वे पूरा सबको नहीं करने चाह रहे। एग्जिस्टेंस ऑल हॉकर इस कानून में जो अधिकार की बात किया है, जो सबको रजिस्ट्रेशन करना है, सबको सर्वे करना है, NCD और MCD ने दोनों बिल के पूरा दिल्ली में उजारीकरण कर रहे हैं, जिसका खिलाफ किस तरीका से हमें उसको रुकना है, लड़ाई चल रहे है। मैं हम लोगों की लड़ाई जो है ये रेडी पटरी की लड़ाई है, ना कोई राजनीति की लड़ाई है, ना हम राजनीति करने के लिए यहाँ उपस्थित है। हमारी लड़ाई रेडी पटरी को कैसे बचाना है, हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हम रोजगार के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हमारा रोजगार कैसे मिलेगा, हम इसलिए आए हैं, ना कोई राजनीति करने आए हैं। हमारी जो इस तरह की स्थिति है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ना कि उनकी धमकियों पे काम रहने के लिए आए हैं। अपनी लड़ाई जारी रखो, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, यही मेरा संघर्ष है और सरकार हमारे साथ है। आपको सारे सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा हमारा कनाट प्लेस है, ये अच्छी जगह है, इसे ये होगी टाटा के लिए होगी, अंबानी के लिए होगी, अडानी के लिए होगी, यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, इसे नॉन वेंडिंग बना देंगे। और जो घटिया जगह होगी, जो जंगल होगा ना, उसे हमारे लिए जंगल को वेंडिंग जोन बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम है, मार्केट में अगर पत्र विक्रेता बैठकर अपना सामान नहीं बेचेगा, क्या वो जंगल में जाकर बेचेगा? अच्छी अच्छी जगह तो ये रिलायंस अंबानी अडानी के लिए, और जो घटिया जंगल बचा वो हमारे लिए। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ, अच्छा अभी कनॉट प्लेस की जो दुर्दशा है, आप देखिए दशा है जो कनॉट प्लेस की, वहां पे इंद्र सर्कल में 8-8 पार्किंग है गाड़ियां खड़ी करने के लिए। इंद्र सर्कल में पार्किंग अलग है, मिडल में अलग है, आउटर में अलग है, कम से कम 50 पार्किंग है गाड़ियों के लिए, लेकिन छोटी सी जगह है गली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं है। हम सरकार से क्या मांगते हैं, हम 2.5% जगह मांगते हैं। आज हमारे दिल्ली में अगर देखा जाए तो 8-10% जगह में पार्किंग है पूरी दिल्ली में, और हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या सिर्फ 2.5% जगह नहीं दे सकते MCD NDMC वाले? तो दोस्तों, हम लोगों को इनसे दबना नहीं है, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, किसी भी हद तक जारी रखेंगे। अभी आज सुबह मुझे पता चला कि हम 4-5 लोगों के खिलाफ ये FIR करवाने जा रहे हैं, जो हमारे NDMC के चेयरमैन राजशेखर जी हैं। तो इस FIR से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये FIR मेरे लिए एक मेडल की तरह होगा, क्योंकि ये जो FIR होगी ना, आज हमारा ये लड़ाई पूरा देश में, सिर्फ ये नहीं, देश में जहाँ जहाँ मार्च सिटी हो रही, हर जगह पर हॉकर को उजाड़ कर रहे हैं। शहरी गरीब हॉकर, रिक्शा पुलर, ऑटो, ये तमाम गरीब को, झुपड़ी सबको हटाने चाह रहे विकास की नाम कर। इसका विकास हमारा जीवन की विनाश है, तो गरीब की विनाश है, इसीलिए हमने इसका खिलाफ लड़ाई की आह्वान किया। आओ सब मिल के इसको रुके, एक इकट्ठा करने के लिए आज का ये मीटिंग।